लंबे समय से जिस नीट एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in नीट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। परिणामों में राजस्थान के सीकर जिले ने सबको चौंका दिया है। सीकर में छात्रों के रिकॉर्ड तोड़ अंक आए हैं। यहां 149 छात्रों को 700 से अधिक नंबर प्राप्त हुए हैं। वहीं 2037 छात्रों के 650 से अधिक अंक आए हैं। 4297 छात्रों को 600 से अधिक अंक तथा 6038 छात्रों को 550 से अधिक अंक व 8225 छात्रों को 500 से अधिक अंक मिले हैं। नीट रिजल्ट आने के बाद अब जल्द ही काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी होगा। वहीं नियमों के तहत छात्रों की काउंसलिंग रैंक के आधार पर ही होगी और रैंक के अनुसार काउंसलिंग सेंटर पर अपना दाखिला कराना होगा। काबिले गौर है कि नीट यूजी परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें 24,06,079 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 23,33,297 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जब एनटीए ने पहले रिजल्ट जारी किया था, उसमें 13,16,268 उम्मीदवार सफल घोषित हुए थे, लेकिन परिणामों में अंकों को लेकर कोई धांधली के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एनटीए को केंद्रवार रिजल्ट घोषित करना पड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि अदालत ने आदेश दिया था कि अभ्यर्थियों की पहचान गुप्त रखते हुए परिणाम घोषित किए जाए। अदालत ने कहा था कि वह यह पता लगाना चाहती है कि कथित रूप से अनियमितता के घेरे में आए केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अन्यत्र परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से अधिक अंक तो नहीं मिले हैं। इसके अलावा यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज का कहना है कि वह सामाजिक और धार्मिक कामों पर ध्यान देंगे। मनोज का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। वह 16 मई 2023 को यूपीएससी के चेयरमैन बने थे। उनका कार्यालय मई 2029 तक था। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि मनोज को यूपीएससी से जुड़े विवादों के बीच पद से हटाया गया है। 2014 से जब तक लगातार संवैधानिक बॉडी की सूचिता पूरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं मनोज सोनी का कहना है कि उनका इस्तीफा ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के विवादों और अन्य आरोपों से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।